स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर महोदय श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडे के मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आबकारी उप निरीक्षक सुश्री राजकुमारी मंडलोई के नेतृत्व में आबकारी वृत्त सोनकच के बोरांसा कंजर देरे में अलसुबह आबकारी की संयुक्त टीम ने छापा मारा तो आबकारी अमले को दूर से देखकर मदिरा बनाने वाले लोग जंगल में भाग गए, जहाँ पर कई चलित भट्टियाँ पाई गई जिनको मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही आसपास नालों में गड्ढे महुआ लाहन के ड्रमों को एवं लाहन को विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही में 5 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत पंजीबृत कर विवेचना में लिए गए, जिसमें 135 लीटर हाथ भट्टी मदिरा पर एवं 8000 लीटर महुआ लाहन बरामद किया गया। बरामद सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 4,27,000 रुपए है। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। मैडम, आज आबकारी विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? देवास जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध माननीय कलेक्टर महोदय एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडे के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज सोनकच तहसील के ग्राम भरवासा में जो कंजर डेरा है उस पर सामूहिक दबिश दी गई, जहाँ पर दबिश देने के पश्चात वहाँ पर कुछ चलित 7 या 8 चलित हाथ पट्टियाँ बरामद की गई, जिसे मौके पर नष्ट किया गया। उक्त कार्रवाई में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कुल 5 प्रकरण कायम किए गए हैं, जिसमें 135 लीटर कच्ची हाथ पट्टी पट्टियाँ एवं 8000 किलो महुआ लाहन बरामद कर मौके पर नष्ट किया गया और कुल जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 4,47,000। मैडम, आपका नाम? मैं राजकुमारी मंडोई, आपका निरीक्षक सोनकच। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN9 न्यूज के साथ। नमस्कार।